भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र नगर सीट से प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ राजेश जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाटिया सर, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि दुर्गेश पाठक जो हैं वो एक ज़्यादा नोन फेस हैं, उनको ज़्यादा लोग जानते हैं, वो ज़्यादा फेमिलियर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आजकल हम देखते ही हैं, उनको लोग देखते रहे हैं, उनके सामने आपका मुकाबला कैसा आपको लग रहा है और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? सबसे पहली बात तो मैडम, आपने का लोग उनको ज़्यादा जानते हैं, मगर किस टेस्ट में जानते हैं, अच्छाई में कि बुराई में? लोग तो रावण को भी जानते हैं और लोग राम को भी जानते हैं। बात तो ये है कि आपको लोग कैसे जानते हैं, आपका आपकी पहचान किस बात की है? उनकी तो पहचान ही कोई नहीं है। मैंने पोस्टर देखे, केजरीवाल को वोट दे। अरे भाई, तू मेजर हो गया, एडल्ट हो गया यार, बड़ा हो गया है, चुनाव लड़ रहा है जिंदा नगर से, कहना दुर्गेश पाठक को वोट दे, क्यों नहीं कहता? तेरी पहचान है भाई, दिल्ली में पहचान है, क्योंकि उसे पता है कि राजेंद्र नगर में कोई पहचान नहीं है, राजेंद्र नगर में पहचान राजेश भाटिया की है, इसलिए नहीं कहता कि मुझे दुर्गेश पाठक को वोट दो। अरे भाई, अडल्ट है, 18 साल का है, आज आप बड़ी हो गई हैं, पापा कुछ कहते नहीं, पापा मैं बड़ी हो गई हूँ। सर, आपकी पार्टी ने, या बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, क्या कभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा? बिल्कुल मांगा है, मगर साथ में हम भी तो कहते हैं कि हमने ये काम किया है, मैं ये काम किया, मैं लिखा। आप इस बात पे क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि केजरीवाल के नाम पे क्यों वोट? आप भी तो मोदी के नाम पर वोट मांगते रहे। मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, मगर अपना काम भी तो साथ रखते हैं कि मेरे पिताजी ने ये अच्छा काम किया, उसके बाद इस काम को मैंने आगे बढ़ाया। आपने क्या बढ़ाया, आपने क्या किया, और आपके केजरीवाल ने क्या किया? राजेंद्र नगर के मतदाताओं से धोखा किया, पहले भगोड़ा दिया, पहले विजेंद्र गर्ग दिया उसको बदला, फिर दूसरा दिया उसको बदला, अब कोई कैंडिडेट नहीं मिला पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा में। इसका मतलब आम आदमी पार्टी में अकाल पड़ गया, उसको बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ रहा है, घर में कोई कैंडिडेट नहीं है। ये तो अगर जरा सा आत्म सम्मान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हो तो उनको अपने बारे में विचार करना चाहिए कि केजरीवाल ने उनके मुँह पर क्या तमाचा मारा है। भाटिया जी, आपको वोट यानी लोग इसीलिए करें क्योंकि आप राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं, इसके अलावा आपकी कोई यूएसपी नहीं है? मैं यहाँ से निगम पार्षद रहा हूँ, 2012 से लेकर 2017 तक मैं निगम पार्षद रहा हूँ, और जब मैं तब चुनाव लड़ा था, अपने नाम पे चुनाव लड़ा था, और 72% वोट लेकर मैं 62% वोट के मार्जिन से मैं राजेंद्र नगर से जीता था। जीतने के बाद मैंने यहाँ पे मिनी स्टेडियम बनाया बच्चों के लिए, मैंने 2 पार्किंग बनवाई, 350 कार की पार्किंग बनाई, महिला सुरक्षा के लिए मैंने मार्शल लगाए, बहने शौच टॉयलेट जो कर्मचारियाँ कहीं जाती हैं, 4 आधुनिक टॉयलेट बनाए, ठीक है जी, हाई मास्ट लाइटें लगाई, हर जगह गली बनवाई मैंने, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, बीबीसी कर्मचारी मच्छरदानियाँ बांटी, एक लंबी चौड़ी मेरे कामों की लिस्ट है, उसके आधार में वोट मांग रहा हूँ मैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो आपके बीच का हूँ, मैं तो 50 साल पहले। अब क्या क्या काम करवाने वाले हैं ये भी बता दीजिए। सबसे पहले, जल है तो जीवन है, और साफ वायु है तो जीवन है। केजरीवाल ने दिल्ली को पोल्यूटेड कर दिया है, गंदा पानी दे रहे हैं। पोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? करेंगे ना, हम अपने करेंगे, यहाँ पे लोगों को जागरूक करेंगे। और क्या क्या टारगेट रहेंगे आपके? जल है, पानी है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे गरीब आदमी को, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान का वादा कर रहे हैं इस कैमरा पर? बिल्कुल, हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे वहाँ की जनता को, गरीब आदमी की सुख सुविधा देंगे, आयुष्मान योजना की लड़ेंगे, जो प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना है मैं उसके लिए लड़ूंगा, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाऊंगा, यहाँ पे बहनों के लिए कोई अलग से जगह बनाऊंगा जहाँ पे कोई बहनें पर्दा करती हैं, ओपन जिम लगवाऊंगा उनके लिए, सारे काम करूंगा। और पानी की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इस भीषण गर्मी में, क्या करेंगे? साफ पानी के लिए चाहे मुझे लड़ना पड़े, मतलब इनका तो जल बोर्ड का चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था, यहाँ भेजा है, क्या किया उसने? हम लड़ेंगे, हम झगड़ा अपना जो कहते हैं ना, हम जुझारू प्रवृत्ति के लोग हैं, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और पानी लाएंगे। जब भागीरथ गंगा ला सकता है तो हम जमुना का पानी ला सकते हैं यहाँ जी। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश जी की आप देख रहे हैं तस्वीरों में, राजेश भाटिया, वादा वो कर रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान का राजेंद्र नगर में, अगर वो जीत कर आते हैं, जीत हासिल करते हैं, तो जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बनवाएंगे, ये कहना है उनका, साफ पानी की सुविधा पहुँचाएंगे, भीषण गर्मी में पानी की सबसे ज़्यादा मुसीबत दिल्ली में देखने को मिल रही है, ओपन जिम्स बनवाएंगे, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह बनवाएंगे, ऐसे कई सारे वादे प्रत्याशी कर रहे हैं। लेकिन अब जानना ये होगा कि 26 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो राजेंद्र नगर के लोगों ने आखिर किसको चुना है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।